ज़फ़र अली रोड पर वाक़े अमरीकी कौंसुलेट रेजिडेंसी में जैज़ मौसीकी की शाम का इनेकाद किया गया। नई अमरीकी कौंसल जनरल नीना मारिया फाइट ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों में सुहेल वड़ाइच, नैयर अली दादा, डॉक्टर सईद इलाही, इरशाद बी अंजुम, पीटर आर्मकॉस्ट, इम्तियाज आलम, मुबशर लुकमान, मदीहा गौहर, कासिम जिया और बादशाही मस्जिद के खतीब अब्दुल खबीर आजाद समेत दीगर लोग शामिल थे। इस मौके पर कौंसल जनरल नीना मारिया फाइट का कहना था कि अमरीकी म्यूजिक लाहौर में मुतारफ कराने से बाहमी सकाफती ताल्लुकात को फरोग देने के साथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को भी वसत मिलेगी। This is one of the things that I think the US is very proud of its tradition of jazz, and bringing a jazz quartet to Pakistan is a way of showing our sharing our culture, and I think we had lots of people here in the audience who very much enjoyed that as well. And I particularly enjoyed the group's rendition, their jazz rendition of Pakistan, the popular song that I think was popular in the 80s here, and so I think the audience also enjoyed that. तकरीब में न्यूयॉर्क से आए चार अफराद पर मुश्तमिल जैज म्यूजिक बैंड ने फन का मुजाहरा किया। गैर मुल्की बैंड ने जब पाकिस्तानी गाने जज्बा जुनून, दिल दिल पाकिस्तान और तेरे बिना दिल ना लगे पेश किया तो शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। बैंड मेंबरान में आरी रोनल्ड, कीथ बाला, जैद नासिर और क्रिस बायर शामिल हैं। ये इससे कबल भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। नई कौंसल जनरल के एजाज में होने वाला जैज म्यूजिक कॉन्सर्ट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कराया गया, जिसके नतीजे में आइंदा माह पाकिस्तानी फनकार अमरीका जाकर परफॉर्म करेंगे। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ रजा जैदी, सिटी 42।